So good morning all of you. Coming to the next topic, transformer में हम आगे efficiency पढ़ने वाले हैं. Transformer as a machine, how efficient is that transformer? तो उसके लिए हम पहले कुछ features देख रहे हैं transformer के. ये चीज़ आप लोगों को जानते ही हैं already. Transformer is a static machine, M by C is machine. Static or stationary machine. There are no moving parts because construction में भी आपने देखा है कि moving parts नहीं है. All parts are stationary only. अच्छा दूसरा हो रहा है ना, ठीक है तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. So there are no moving parts according to what do you say constructional features. You have seen that there are no moving parts, all parts are stationary. Losses are lesser compared to other AC machines. So when you don't have moving parts की वजह से frictional losses और other mechanical losses ज़्यादा होंगे. तो mechanical losses अगर नहीं हो रहे हैं तो losses should be lesser. And moreover, अदर एसी मशीन्स जो रोटेटिंग मशीन्स है उनसे कंपैरेटिवली इसमें लॉसेस बहुत कम होंगे. ठीक है, सो दिस इज द हाईएस्ट एफिशिएंसी ऑफ ऑल मशीन्स. ट्रांसफॉर्मर हैज हाईएस्ट एफिशिएंसी ऑफ ऑल मशीन्स. और एफिशिएंसी से पहले हमें लॉसेस पढ़ना पड़ेगा. नॉर्मली इलेक्ट्रिकल मशीन्स में तीन तरीके के लॉसेस होते हैं. वन इज इलेक्ट्रिकल लॉस, मैग्नेटिक लॉस और मैकेनिकल लॉस. देखिए सारे इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और मैग्नेटिक तीनों होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन्स में नॉर्मली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल या मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते रहते हैं. और साथ में मैग्नेटिक, बीच में मीडियम आपका मैग्नेटिक मीडियम होगा, क्योंकि सारे मशीन्स फैराडेस लॉ पे डिपेंड करता है. तो फैराडेस लॉ में आपका मैग्नेटिक मीडियम कंपलसरी है. तो एनी इलेक्ट्रिकल मशीन नॉर्मली विल हैव दीज थ्री काइंड्स ऑफ लॉसेस, मैग्नेटिक लॉस, मैकेनिकल लॉस एंड इलेक्ट्रिकल लॉस. स्पेशली ट्रांसफॉर्मर्स में आपके मैकेनिकल नहीं होंगे बिकॉज इट्स अ स्टेशनरी मशीन एंड इट इज नॉट कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, but it is converting electrical to electrical from one circuit to other circuit through a magnetic medium. So electrical loss and magnetic loss होंगे. और electrical loss में common electrical loss is I square R loss. ठीक है, इसको हम copper loss, CU, copper loss. कॉपर लॉस ये जनरल टर्म है, एक नाम. कॉपर लॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि पुराने जमाने से जो वाइंडिंग के लिए कॉपर यूज होता था, ठीक है, तो इसलिए कॉपर लॉस के नाम से जाना जाता है पहले से ये. और मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिकल लॉस है. इलेक्ट्रिकली जब करंट फ्लो करता है किसी भी वाइंडिंग में, किसी भी कंडक्टर में, बॉडी में, तो एक आई स्क्वायर लॉस आएगा, उसको हम कॉपर लॉस कह रहे हैं. Then you have magnetic loss. Magnetic loss का मतलब इसको हम कोर लॉस भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर ट्रांसफॉर्मर में मैग्नेटिज्म कहां अवेलेबल है, कोर में, मैग्नेटिक कोर में अवेलेबल है. बाकी जगह देखिए कोर हमने रखा इसलिए है कि वो मैग्नेटिज्म को एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंचाए और मैग्नेटिक पाथ क्रिएट हो प्रॉपरली. तो इसलिए मैग्नेटिक लॉस कहां होगा, कोर में होगा, और इसलिए ट्रांसफॉर्मर्स में हम उसको कोर लॉस बोलते हैं. ठीक है, और कोर लॉस में वी हैव टू टाइप्स ऑफ लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस. दो तरह के लॉसेस होते हैं. ठीक है, इसको पीसीयू बोल सकते हैं और इसको कोर लॉस, पीसी बोल सकते हैं.
और इसको आयरन लॉस का नाम भी है। देखिए मैंने जितने पॉसिबल नाम हैं वो सब दे दिए हैं आपको, क्योंकि आप अगर बुक्स फॉलो करेंगे तो किसी बुक में मैग्नेटिक लॉस, किसी बुक में आयरन लॉस, किसी बुक में कोर लॉस, तो नाम जो है अलग अलग है बट ये सारे लॉसेस सेम है। इसमें दो तरह के लॉस है, एडी करंट और हिस्टेरेसिस, ठीक है, और ये कॉपर लॉस है, इलेक्ट्रिकल लॉस। तो ट्रांसफार्मर में मेजर ये दो तीन लॉस, या आप कह सकते हैं ये दो लॉस है, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से अगर आप ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं, एफिशिएंसी डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप डिफाइन कर सकते हैं एफिशिएंसी को। प्रॉपर तरीके से एफिशिएंसी ऑफ एनी मशीन क्या है, किसी भी मशीन का एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आप सब लोग भी जानते हैं। एफिशिएंसी को ईटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी नॉर्मल डिनोशन है, आप जानते होंगे कि ईटा से ही रिप्रेजेंट होता है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इनपुट भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो आउटपुट नॉर्मली हम पावर की रेस्पेक्ट में बात करते हैं, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, हमने कितना इनपुट पावर दिया और कितना आउटपुट लिया, यही बताता है आपका, इन दोनों का रेशियो बताता है एफिशिएंसी कितना है। तो ये होगा आउटपुट पावर इज सेकेंडरी साइड, अगर आउटपुट मानते हैं तो वी टू आई टू कॉस फाई फाई टू पावर, आप बोल सकते हो। वैसे अगर मैं ये लिखता ना तो भी आप कुछ पूछेंगे नहीं, क्योंकि वी टू आई टू आउटपुट पावर है, ठीक है, लेकिन ये एसी सर्किट है तो एसी सर्किट में वी आई कॉस फाई होना चाहिए पावर हमेशा। तो सेकेंडरी साइड का वी टू आई टू कॉस फाई टू मैं ले रहा हूं, और इनपुट पावर अगर आउटपुट आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट माइनस लॉसेस, ये जानते हैं आप लोग सब लोग, डू यू एग्री विद दिस? आउटपुट कितना कैसे मिलता है, हमेशा जितना इनपुट है उसमें से लॉसेस अगर आप हटा दोगे तो आउटपुट मिलता है, किसी भी मशीन के लिए कॉमन है, ट्रांसफार्मर के लिए भी यही है। तो इनपुट में से अगर हम लॉसेस हटा के देखेंगे तो हमें आउटपुट मिलता है। सो और यू कैन राइट इनपुट एज आउटपुट प्लस लॉसेस, बात एक ही है ना, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो अभी मैंने आउटपुट तो लिख दिया, इनपुट को आई विल ट्राई टू राइट इट लाइक दिस, आउटपुट वी टू आई टू कॉस फाई टू प्लस टोटल लॉसेस, लॉसेस मतलब मैंने ये वाला यहां पर रिप्लेस किया है, नीचे डिनोमिनेटर में इनपुट पावर था तो इनपुट पावर को मैंने ऐसे लिखा, क्योंकि जब मुझे वी टू आई टू कॉस फाई टू पता ही है तो मैं नीचे भी वी टू आई टू कॉस फाई प्लस इस तरह से लिखूंगा तो इट विल बी मोर इजियर फॉर मी। तो यहां से फिर आगे बढ़ेंगे तो वी टू आई टू कॉस फाई टू डिवाइडेड बाई वी टू आई टू कॉस फाई टू प्लस पी सी प्लस पी सी यू, ठीक है। तो ये मेरा एफिशिएंसी, ये मेरा एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन हो गया है, इज इज ओके, इज इज ओके। सो एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन हो गया, और इसको ना ये भी बोल सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रिकल लॉस जो कॉपर लॉस है, मैं एक और नाम बता रहा हूं, वेरिएबल लॉस, इसको वेरिएबल लॉस कहते हैं और इसको कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं, इन दोनों को कांस्टेंट लॉस, मतलब ये जो कोर लॉस है इसको कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं। आप पूछ सकते हैं सर ऐसा क्यों, वेरिएबल लॉस इसलिए है क्योंकि ये आई स्क्वायर से जुड़ा है, मतलब आई से जुड़ा है, हिस्टेरेसिस और एडी करंट एक्चुअली आई से नहीं जुड़ा होगा, अभी फिलहाल हमारे सिलेबस में इतना डिटेल नहीं है तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ इसके अंदर क्या है वो, बट आई स्क्वायर आर लॉस है, ये कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर लॉस है, आई से जुड़ा है, एंड आई इज द करंट, एंड दिस करंट वेरीज विथ लोड, आपने ट्रांसफॉर्मर पे लोड बदला है तो आई भी बदलेगा। So I is a variable quantity,
वेरिएबल पैरामीटर, तो आई से जुड़ा हुआ ये वाला लॉस भी वेरिएबल लॉस होगा, इसलिए हम इसको वेरिएबल लॉस बोलते हैं। एंड दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन करंट, इट इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन ट्रांसफॉर्मर, बिकॉज दीज आर मैग्नेटिक लॉस, मतलब फ्लक्स पे डिपेंड करता है, और ट्रांसफॉर्मर में फ्लक्स जो है कॉन्स्टेंट है और फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मर में आपने डेफिनेशन में ही पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए ये दोनों कॉन्स्टेंट लॉस कहलाता है, या कोर लॉस हम कॉन्स्टेंट लॉस बोलते हैं, दिस इज नॉट ए वेरिएबल लॉस, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम यहां पर यूज करके हम एफिशिएंसी को वेरिएबल, तो ये एफिशिएंसी का टर्म है, इसमें कौन सा वेरिएबल है, आई टू इज वेरिएबल, पीसी में भी आई टू है वैसे, सॉरी पीसीयू में भी आई टू है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है शायद, इसमें मैं अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहूँ, पीसी इज हिस्टेरेसिस प्लस एडी करंट, कॉन्स्टेंट लॉस और कोर लॉस, पीसीयू का मतलब आई टू स्क्वायर आर हो गया, है कि नहीं। तो आप इस पूरे एक्सप्रेशन देखोगे तो इसमें I2 इज द वेरिएबल टर्म, तो मैं अगर I2 के साथ डिफरेंशिएट करूंगा एफिशिएंसी को और उसको इक्वेट करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, आप मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, डिफरेंशिएट करके उसको अगर आपने जीरो कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, किसी भी पैरामीटर का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। नाउ what I am trying to do here is I am trying to find out the condition for maximum efficiency, मतलब ये parameter maximum होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको variable term से differentiate करके उसको zero के बराबर करना पड़ेगा, तब ये क्या मतलब है, इससे मुझे क्या मिलेगा, for finding maximum efficiency, मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी आई विल ट्राई टू डिफरेंशिएट दिस एफिशिएंसी टर्म विद आई टू, आई टू ही क्यों, क्योंकि आई टू इज द वेरिएबल टर्म इन दिस एक्सप्रेशन, एंड इक्वेट इट टू जीरो, इससे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा इसका एफिशिएंसी का, और उसके वजह से मुझे क्या मिल रहा है उसमें, अगर मैं ये सॉल्व करूंगा ना ये डिफरेंशिएट करके, तो आपको ये पता चलेगा कि आई स्क्वायर आर पी आई आयरन लॉस है ना, हाँ पी सी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये कंडीशन आएगा, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये वाला कंडीशन आएगा, इसका मतलब आप इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करेंगे तो यू विल सी दैट पी सी कोर लॉस और मैग्नेटिक लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस, कोर लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस, तो जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ये दो लॉसेस एक दूसरे के बराबर जब हो जाएंगे तो एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा। आप पूछ सकते हैं सर ये टर्म हम क्यों कर रहे हैं, ये डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं या डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं, भाई आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपका मशीन कब मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करेगा, because you always want your machine to work at maximum efficiency, है ना, क्योंकि maximum efficiency पर ही आपका machine better output देगा, इतना पैसे खर्च करके आपने manufacture करके अगर आप use कर रहे हो किसी machine को और वो अच्छा efficiency पे काम नहीं कर रहा है तो फायदा क्या होगा, so that is why we are trying to find out the condition where efficiency of transformer is maximum, so what is the condition, when copper loss is equal to core loss then ट्रांसफॉर्मर विल वर्क एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, ट्रांसफॉर्मर विल रन और ऑपरेट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है, इज इज ओके। आप लिख लीजिए अगर लिखना है तो, एक मिनट।
सो ये जो एफिशिएंसी है इसको हम कहते हैं कमर्शियल एफिशिएंसी। कमर्शियल मतलब नॉर्मली किसी भी ट्रांसफार्मर को खरीदते वक्त आप ये देखोगे कि इसका एफिशिएंसी ये कितना है, ठीक है। और कभी कभी हम ऐसे भी कंडीशन या ऐसे भी केस देखते हैं जहां पर ये कमर्शियल एफिशिएंसी कुछ बता नहीं पाएगा सही तरीके, या कमर्शियल एफिशिएंसी आप देख नहीं पाएंगे। क्या मतलब है इसका, ऐसा केस स्टडी क्या है, ऐसा केस कब आता है या ऐसा सिचुएशन कब आता है? कमर्शियल एफिशिएंसी में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक्सप्रेशन के हिसाब से V2I2 cos φ, है ना, एक्सप्रेशन के हिसाब से V2I2 cos φ न्यूमरेटर और नीचे भी V2I2 cos φ है, ठीक है, cos φ2 या φ2 या लॉसेस। अब आप बताओ कि अगर I2 जीरो है तो एफिशिएंसी आपको कितना मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए, है ना, एफिशिएंसी जीरो मिलना चाहिए। या I2 अगर बहुत कम है तो एफिशिएंसी बहुत कम होना चाहिए। आप ये पूछ सकते हैं कि सर ऐसा कब होगा, I2 कम कब होगा, या फिर I2 क्या कहते हैं जीरो कब होगा। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ऑल डे एफिशिएंसी। नेक्स्ट, ऑल डे एफिशिएंसी, आउटपुट एनर्जी इन किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी इन किलोवाट आवर। इन 24 आवर्स तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर, कमर्शियल एफिशिएंसी के बदले में हम एक और एफिशिएंसी डिफाइन कर रहे हैं जो कि हमें दिन भर, दिन में आवर वाइज आवरली के हिसाब से हमें बताएगा कि एफिशिएंसी क्या है। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि अगर एक घरेलू नहीं मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं, अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसफार्मर दो तरह के मेजर ट्रांसफार्मर्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का मतलब घर के पास सबस्टेशन के बाद, घर के आसपास सबस्टेशन के बाद वाले ट्रांसफार्मर्स है। पावर ट्रांसफार्मर्स मतलब अगर आपको याद है कल या परसों मैंने पूरा जनरेटिंग स्टेशन से जनरेटिंग स्टेशन से लोड तक का ट्रांसफार्मर्स चार जगह पर दिखाया, तो उसमें लास्ट घर के पास और उससे पहले वाले दोनों डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स होंगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए है, और उससे पहले वाले ट्रांसमिशन लाइन में जो है उसको पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। दोनों में फर्क है बहुत, मतलब ध्यान से सुनिए, पावर ट्रांसफार्मर कंटिन्यूसली लोडेड होगा, लोडेड मतलब उसका सेकेंडरी में हमेशा लोड होगा, क्यों, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन लाइन पर है, ट्रांसमिशन लाइन पर हमेशा लोड रहता है, ट्रांसमिशन लाइन पर हमेशा लोड रहता है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन बहुत बड़ा एरिया के लिए सप्लाई लेके जा रही है। जैसे आगरा से, कानपुर से अगर यहां तक पावर आ रही है तो बीच में पूरा ट्रांसमिशन लाइन आगरा को जितना पावर चाहिए उतना पूरा पूरा लेके आ रही है, वो कैरी कर रही है। तो वहां पर अगर कोई भी ट्रांसफार्मर होगा ट्रांसमिशन लाइन में, तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड आगरा पूरा कनेक्टेड है एक तरह से, तो आगरा का पूरा पावर कनेक्टेड, लोड कनेक्टेड है। तो जो यहां पर V2I2 वाला रिले वो था ना, cos φ2 आउटपुट में ये वाला होगा, मिलेगा आपको, तो कमर्शियल एफिशिएंसी वहां पर मिल जाएगी। जब आप कमर्शियल एफिशिएंसी की बात करेंगे वहां पर I2 हमेशा होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो घर के पास है, ठीक है, जो घर के पास है, अगर मान लो आपने अपने घर के लिए ही एक अलग ट्रांसफार्मर लगा लिया, ऐसे भी होते हैं जैसे आपके 3 मंजिल का घर है मान लो, तो आपको एक अलग ट्रांसफार्मर मिल जाता है, होता है। अपार्टमेंट्स अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका खुद का नहीं है लेकिन अपार्टमेंट्स का ही अगर मान लेते हैं,
तो अपार्टमेंट्स, एक पूरा अपार्टमेंट के लिए एक ट्रांसफार्मर मिल जाता है। तो मान लो समर का टाइम है, लोग नहीं रह रहे हैं घरों में, छुट्टियों पे चले गए सब लोग, और सारे घर अगर बंद है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो उस समय ट्रांसफार्मर पर लोड कितना रहेगा, मिनिमम रहेगा या बिल्कुल नहीं रहेगा, है ना। तो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी में कोई लोड नहीं है, लेकिन प्राइमरी में सप्लाई मिलता जा रहा है। ट्रांसफार्मर को बंद तो नहीं करके जाएंगे आप लोग, क्योंकि यू डू नॉट हैव दैट कंट्रोल। तो जब अपार्टमेंट्स में लोड सबसे कम है, उसके बावजूद भी वो इनपुट तो ले रहा है, ट्रांसफार्मर इनपुट ले रहा है कंटिन्यूसली, इसका मतलब इनपुट है पावर, आउटपुट कम से कम है, या आउटपुट में I2 आपका अगर जीरो है तो एफिशिएंसी पूरा वो जीरो बताएगा, लेकिन एक्चुअली वो एफिशिएंसी जीरो नहीं है, कुछ तो होना चाहिए। एफिशिएंसी जीरो है तो वो बंद होना चाहिए, लेकिन वो बंद नहीं है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ऑल डे एफिशिएंसी को डिफाइन करके हम आवरली बता रहे हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में ही एक और मैं एक केस बताता हूं। जैसे दिन भर, जैसे सुबह 10 से लेके शाम को 4 या 5 बजे तक घर में, मान लो घरों में लोग कम रहते हैं, अगर काम वाले हैं सिटीज में वगैरह वगैरह में, तो अगर सब काम पे चले गए तो आपका लोड मिनिमम रहेगा। फिर शाम को और सुबह के टाइम, दिन के बावजूद छोड़ के सुबह और शाम के टाइम में जब सब घर में है तो आपका लोड रहेगा। तो इसका मतलब आपका जो आउटपुट है ये टाइमली है, मतलब सुबह 6 से 10 बजे I2 है ज़्यादा, और शाम को 6 से 10 बजे फिर I2 है, मतलब ज़्यादा लोड है। दिन भर I2 मिनिमम है आपका, सेकेंडरी साइड में लोड कम है, आर यू फॉलोइंग। तो इस चीज़ को प्रॉपरली एनालाइज करने के लिए तो एफिशिएंसी में फ़र्क आ जाता है। आप जो एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हो, इससे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 24 आवर्स के लिए आपका पूरा सिस्टम चल रहा है, और इस तरह से आपने डिफाइन किया ये। लेकिन ट्रांसफार्मर, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में सिचुएशंस अलग अलग आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में जो घर के पास है, मैंने क्लियरली बताया पावर ट्रांसफार्मर में ऐसी चीज़ नहीं आती क्योंकि वो लगातार लोडेड है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आपका लोड जो है कंटिन्यूसली वेरी हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक ऑल डे एफिशिएंसी को डिफाइन किया, जो कि आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी, इस बार हम पावर की बात नहीं कर रहे हैं, एनर्जी इन किलोवाट आवर। अब जब किलोवाट आवर की बात कर रहे हैं तो आवर्स किसी एक पर्टिकुलर टाइम में होना चाहिए, तो इसलिए हम एक दिन का लेते हैं, उसमें 24 घंटे के दायरे में कितना एनर्जी कितने घंटे तक, कितना एनर्जी कितने घंटे तक ये बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह 6 से 10 आपका फुल लोड है, हैवी लोड है, ठीक है, सुबह 6 से 10 आपका फुल लोड है, तो सुबह 6 से 10 का एनर्जी फुल आएगा। फिर रात का 6 से 10 अगर 80% है तो 80% फुल लोड में आपका 6 से 10 है, लेकिन दिन का जो 6 से 10 है, सॉरी 10 से 6 है दिन वाला टाइम, उस समय आपका मिनिमम से मिनिमम है लोड, ज़्यादातर लोग घर से निकल जाते हैं, तो उस समय आपका एफिशिएंसी अलग आता है, टोटल आपका यूसेज ही बदल जाता है, आपका बिहेवियर ही बदल गया, लोड पैटर्न ही बदल गया आपके ट्रांसफार्मर का। तो कमर्शियल एफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए हम सीधा सीधा अप्लाई नहीं कर सकते, तो ऑल डे एफिशिएंसी को डिफाइन करके हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए ऑल डे एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं और यूज भी करते हैं। आर यू फॉलोइंग? सो ये है ऑल डे एफिशिएंसी का इम्पोर्टेंस और क्यों हम ऑल डे एफिशिएंसी यूज कर रहे हैं वो, ठीक है। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन इट इज डिफाइंड एज
E2 minus V2 upon V2 और E2 minus V2 upon E2 एक्चुअली एक ट्रांसफॉर्मर ये V1 I1 E1 E2 I2 V2 जब आपने लोड कनेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि V1 सप्लाई देने की वजह से I1 फ्लो करेगा, फिर फ्लक्स फ्लो कर प्रोड्यूस होगा, फिर उसके वजह से E1 इंड्यूस DMF E1 आएगा सेल्फ इंड्यूस, फिर वही फ्लक्स अगर उधर जाएगा तो E2 आएगा, I2 होगा और V2। तो E2 और V2 में देर इज अ डिफरेंस, E2 और V2 में देर इज अ डिफरेंस। वाई? बिकॉज जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो पूरा पूरा बाहर लोड के अक्रॉस नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको मैं इलेक्ट्रिकली बताता हूँ। देखिए, अगर इसको E2 कहें, एक ये इसको एक सोर्स ही मान लें, ये वाला इधर सेकेंडरी में ये लोड है, अगर तो वाइंडिंग में श्योरली रेसिस्टेंस होगा, डू यू एग्री विद दिस और नॉट, और साथ में इंडक्टेंस भी होगा, ठीक है। तो पूरा मिला के एक जेड होगा, एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट जितना EMF यहां पर अवेलेबल है, उस EMF में से जब करंट फ्लो करेगा तो I2, अगर ये सेकेंडरी साइड का है तो Z2 करें, तो I2 Z2 का एक ड्रॉप होगा E2 में से, और बचेगा जो वोल्टेज है वो V2 की तरह आपका लोड में रहेगा। सो एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ये वोल्टेज ड्रॉप कंपलसरी होता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ बेसिकली रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, ये जो भी एलिमेंट है उसके वजह से एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसलिए E2 जितना अवेलेबल है सेकेंडरी में पूरा पूरा V2 तक नहीं पहुंचता, मतलब E2 और V2 में डिफरेंस होता है। अगर आपको याद है कल के क्लास में आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में बात किया था, लेकिन आइडियल में ये केस नहीं है, आइडियल में E2 और V2 सेम होता है, E2 इज इक्वल टू V2 फॉर आइडियल, क्योंकि आइडियल के केस में नो रेजिस्टेंस है ना, नो रेजिस्टेंस एट ऑल, सो देर विल नॉट बी एनी ड्रॉप, वोल्टेज बोथ विल बी सेम आइडियल के केस में, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता। तो अभी फिलहाल के लिए अभी हमें ये जरूरत नहीं है, हमारे हिसाब से ये है। तो देर इज ऑलवेज E2 विल बी हायर देन V2 बिकॉज E2 में से कुछ ड्रॉप होगा तब ना V2 आएगा। तो दैट इज वाई वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना है, डिफरेंस कितना है, E2 माइनस V2 अपॉन V2 और E2 माइनस V2 अपॉन E2। ये परसेंटेज में भी लिख सकते हैं आप, परसेंटेज में अगर लिखना है तो मल्टीप्लाई विथ 100, अगर परसेंटेज लिखना है तो मल्टीप्लाई विथ 100, दैट्स ऑल। तो ये आप ये दो है, V2 से भी डिवाइड कर दो, E2 से भी डिवाइड कर दो, इसको आप कहते हैं परसेंटेज रेगुलेशन। V2 और E2 में कौन सा ज्यादा है, डिनोमिनेटर में V2 कम है, ये तो हम जानते हैं ना, अभी बताया कि E2 इज ग्रेटर देन V2। तो जो वैल्यू कम है, V2 इज लेसर वैल्यू, तो अगर V2 लेस है तो परसेंटेज रेगुलेशन अप बोलते हैं इसको, क्योंकि डिनोमिनेटर कम है तो टोटल रेगुलेशन आपका ऊपर आएगा, मतलब बढ़ेगा, और E2 ज्यादा है V2 से, तो इससे कंपेयर करोगे तो E2 वैल्यू ज्यादा है तो टोटल वैल्यू कम आएगा, तो इसको हम कहते हैं परसेंटेज रेगुलेशन डाउन, ठीक है। दोनों ही रेगुलेशन वाले हैं, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, और दोनों ही परसेंटेज रेगुलेशन है, बट अप तब आएगा जब आप डिनोमिनेटर में V2 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यूनिट्स दोनों का सेम है, देखिए ये भी वोल्ट्स है, ये भी वोल्ट्स, वो भी वोल्ट्स है, वो भी वोल्ट्स, ठीक है। सो दिस इज अबाउट रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का। एंड देन आप चाहो तो यहां पर पॉज करके यू कैन नोट ऑल दिस डाउन, ठीक है।
देखिए आई वुड एडवाइज यू टू टेक डाउन नोट्स फ्रॉम दिस फ्रॉम दीज वीडियोस. जस्ट वीडियोस देख के समझ तो सकते हैं लेकिन अनलेस अंटिल यू राइट डाउन समथिंग ऑन पेपर आपको ये याद नहीं रहेगा, जो समझा है वो प्रॉपरली आप प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे एग्जाम में. तो आप ये समझ लेना कि क्लास ही हो रहा है, लाइव क्लास, और उसको नोट्स नोट करते रहना, ठीक है. द नेक्स्ट टॉपिक इज कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर. नाउ मोस्ट ऑफ द लॉसेस आर डिसिपेटेड एज हीट. इन ए ट्रांसफॉर्मर मतलब एक ट्रांसफॉर्मर में मोस्ट ऑफ द लॉसेस आर डिसिपेटेड एज हीट, ठीक है. जहां भी आई स्क्वायर आर लॉस होता है, आई स्क्वायर आर लॉस इज नथिंग बट डिसिपेटेड एज हीट. कोर लॉस में भी हीट डिसिपेट होता है, मैग्नेटिक कोर में हीट डिसिपेट होता है, वाइंडिंग्स में हीट डिसिपेट होता है. और मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में भी कहा था, याद है, कि ट्रांसफॉर्मर ऑयल ऑल्सो वर्क्स एज वो हीट को डिसिपेट करके वाइंडिंग से लेके बॉडी तक लेकर जाता है. बॉडी क्योंकि बाहरी ठंडी हवा से कांटेक्ट में है तो वो अंदर की गर्मी जो है बाहर के ठंडी हवा से कांटेक्ट में आके अंदर थोड़ा सा ठंडापन मतलब थोड़ा कूलिंग होता है करके. तो ये तो एक जनरल एग्जाम्पल मैंने दे दिया. अब हम देखते हैं कि कूलिंग कैसे कर सकते हैं हम ट्रांसफॉर्मर में. दो मतलब ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर्स भी मिलते हैं, स्मॉल कैपेसिटी या स्मॉल कैपेसिटीज, मतलब छोटे पैमाने पे या छोटे ट्रांसफॉर्मर जो भी होते हैं वो ड्राई टाइप बोलते हैं. आपने अगर एक क्या कहते हैं कंप्यूटर के अंदर का ट्रांसफॉर्मर या एक रेडियो के अंदर या ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसके अंदर अगर ट्रांसफॉर्मर्स आपने देखा है तो वो सब ड्राई टाइप है, उसमें कोई ऑयल वॉयल नहीं होता. तो ट्रांसफॉर्मर्स बिना ऑयल के भी होते हैं छोटे वाले, तो उनके बारे में मैं कह रहा हूँ. अगर फॉर ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर्स यू कैन सी दैट जो स्मॉल कैपेसिटीज हैं उसमें दो टाइप हैं, एयर नेचुरल और एयर ब्लास्ट. ये दो तरह के कूलिंग है, एयर नेचुरल, ठीक है, एयर नेचुरल. इसको ए एन टाइप ऑफ कूलिंग बोलते हैं, इसको एयर एफ, ए एफ मतलब एयर फोर्स्ड, फोर्स्ड, ठीक है, एयर फोर्स्ड. तो इस तरह के कूलिंग होता है. एयर नेचुरल का मतलब नेचुरली आप कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं करेंगे, ड्राई टाइप खुला ही रहता है, बाहरी ठंडी हवा से वो लेकर एयर अपने आप कूलिंग हो जाता है, ठीक है, सॉरी, अपने आप कूलिंग हो जाता है एयर नेचुरल, ठीक है. इसमें आप कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं करते. एयर ब्लास्ट में आप यू ट्राई टू पुट सम अरेंजमेंट, एक फोर्स्ड फैन यूज करेंगे, फोर्स्ड एयर ब्लो करेंगे, तो ये अप टू 3 MVA और ये अप टू 15 MVA. MVA इज मेगा वोल्ट एम्पियर्स, ये रेटिंग या कैपेसिटी है, ये रेटिंग या कैपेसिटी है एक ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है, इतने कैपेसिटी तक आप यूज कर सकते हैं. खैर अब अप टू 15 MVA ट्रांसफॉर्मर्स ड्राई टाइप तो आजकल आना बंद ही हो गया है वैसे, लेकिन यहाँ तक आप यूज़ कर सकते हैं. एयर नेचुरल वाले तो आपको अभी भी मिलेंगे, 3 MVA तक भी मिलेंगे एयर नेचुरल वाले, 5 MVA भी है, नहीं 5 MVA नहीं, सॉरी 3 MVA तक ही है. तो इस कैपेसिटी तक आप यूज़ कर सकते हैं एयर नेचुरल फॉर ड्राई टाइप, ठीक है. अब उसके बाद फॉर ऑयल टाइप, ऑयल टाइप में ओ एन
एन, मतलब ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, ध्यान से समझ लीजिए, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल ओ एन ए एन। तो इसमें क्या होता है, अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताया था ना सुबह और कल, मतलब अभी थोड़ी देर पहले और कल वाले में एग्जाम्पल जो बताया था, टैंक विल हैव ऑयल, तो दैट ऑयल विल टेक ऑल द हीट फ्रॉम द वाइंडिंग्स, जो भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो ऑयल लेगा, और वो ऑयल हीट जो है बॉडी या वॉल्स के पास हीट को भेजेगा, और बाहरी एयर से कॉन्टैक्ट में आके वो ऑयल थोड़ा सा ठंडा होगा, और ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। इसमें भी आप कोई फोर्स नहीं करते, इसमें कोई अरेंजमेंट स्पेशली नहीं करते, बस यू पुट, मतलब नॉर्मल ट्रांसफार्मर को नॉर्मल तरीके से छोड़ देंगे ऑयल वाला ट्रांसफार्मर, ऑयल टाइप वाले में। तो ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल का मतलब आप कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, नेचुरली होगा। देन यू हैव ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड, समझ गए, ऑयल नेचुरली कूल होगा और साथ में आप एयर को फोर्स कर सकते हैं, मतलब पंखा लगा दो, ब्लास्ट लगा दो। आपने अगर देखा है बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स में एक छोटा सा हिस्से में एग्जॉस्ट फैन की तरह फैंस लगे रहते हैं, वो क्या करता है, ठंड, मतलब ठंडा मतलब नॉट लाइक एसी बट हवा भेजता है, फोर्स करता है हवा, तो वो कूलिंग करता है। तो ऑयल नेचुरल और एयर फोर्स, देन यू कैन से दैट ऑयल फोर्स्ड और एयर फोर्स्ड, ऑयल फोर्स्ड और एयर फोर्स्ड, ऑयल फोर्स्ड और एयर फोर्स का मतलब, ऑयल फोर्स्ड और एयर फोर्स का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपने अगर कभी ट्रांसफार्मर को देखा है तो ट्रांसफार्मर के दोनों साइड ऐसे पाइप्स देखा होगा आपने। अभी तक मैंने ये कंस्ट्रक्शन में नहीं बताया क्योंकि हर ट्रांसफार्मर में नहीं होते ये, बड़े साइज के ट्रांसफार्मर्स में होते हैं ये पाइप्स, इसको हम कहते हैं रेडिएटर्स, और रेडिएटर पूरा सेटअप को रेडिएटर बोल सकते हैं। तो ये होता क्या है, ऑयल जब ऊपर हीट होके ऊपर जाता है, ऑयल का लेवल बढ़ता है, एनी लिक्विड या एनी व्हाट डू यू से फ्लूइड जब हीट होता है तो हॉट फ्लूइड जो है ऊपर उठेगा और जो ठंडा या कम टेम्परेचर वाला फ्लूइड है वो नीचे रहेगा। तो ऑयल ऊपर उठेगा, जब ऑयल ऊपर उठा तो उसका लेवल ऊपर उठ के इस रेडिएटर्स के अंदर से, इस पाइप्स के अंदर से ऑयल फ्लो करके नीचे आएगा। ये नेचुरल ग्रेविटी से होता है, यहाँ पर आपने कोई वो नहीं किया, ठीक है। अच्छा, ऑयल फोर्स में भी आपने कोई फोर्स नहीं किया, ये नेचुरली ऑयल, एक सेकेंड, ये जो मैं कह रहा हूँ ना वो इसमें भी होता है, इसमें भी होता है पॉसिबिलिटी, ये मैं नेचुरल का ही बता रहा हूँ लेकिन एक स्पेशल अरेंजमेंट बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, ऑयल जब हीट होके ऊपर लेवल बढ़ेगा तो वो इस पाइप्स में से नीचे ऐसे फ्लो करेगा, और जब फ्लो करेगा तो बाहरी एयर से कांटेक्ट में आएगा, मतलब ठंडी हवा से फ्लो, जैसे ही कोई हॉट फ्लूइड को आपने फ्लो करवाया तो वो ठंडा भी हो जाता है नॉर्मली, तो क्योंकि फ्लो करते करते वो अपना हीट को बाहर एयर को दे देता है, तो इस तरह ठंडा ऑयल जो है नीचे की तरफ आके सेटल हो जाएगा, फिर धीरे से ऊपर का लेवल जो हॉट ऑयल है ऊपर उठेगा, फिर वो फ्लो करेगा। तो ये कंटिन्यूस दोनों तरफ रेडिएटर से ऑयल ऐसे फ्लो करेगा, ऊपर उठेगा हीट होके, फिर ऊपर से नीचे आएगा, फिर ठंडा ऑयल नीचे रहेगा, फिर धीरे धीरे हीट होके फिर ऑयल ऊपर आएगा, फिर ये प्रोसेस, ये चीज एक्चुअली नेचुरल भी होता है, यहां पर आप कुछ वो नहीं करेंगे, नेचुरल भी हो सकता है। अब फोर्स करने में क्या है, इसी चीज को आप एक पंप लगा के ऑयल को अगर पंप करोगे तो वो ऑयल फोर्स्ड है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। आप एक सेटअप लगाएंगे अलग से रेडिएटर का और एक पंप लगा सकते हैं जो कि ऑयल को कंटिन्यूसली पंप करेगा, ऊपर से नीचे तक पंप करके आपका ऑयल का टेम्परेचर जो है धीरे धीरे कम करते, हीट को बाहर डिसिपेट करते हुए करेंगे, वो हो गया आपका ऑयल फोर्स्ड और एयर फोर्स्ड, मतलब फैंस भी रहेंगे फिर,
मतलब आप दोनों तरीके से फोर्सिबली उसको ठंडा कर रहे हैं ट्रांसफार्मर को, ऑयल को भी फ्लो करवा रहे हैं पंप से लगातार ताकि वो ठंडा हो जाए, और एयर को भी ब्लो करवा रहे हैं ताकि वो ठंडा हो जाए। तो ऑयल फोर्स्ड और एयर फोर्स, ये दोनों। ऑयल नेचुरल में बिना रेडिएटर का भी ऑयल नेचुरल होता है, अगर आपने रेडिएटर्स नहीं भी लगाया तो भी ऑयल नेचुरली कूल होता है, अगर आपने रेडिएटर्स लगाया भी है तो भी नेचुरली कूल होगा, क्योंकि ऊपर लेवल उठेगा फिर ग्रेविटी से अपने आप वो ऑयल नीचे आएगा, ठंडा होगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर उठेगा, ये नेचुरल। ऑयल फोर्स में आप क्या करोगे, इसी चीज को आप पंप करके जल्दी करोगे, थोड़ा फास्ट एन अप करके जल्दी जल्दी कूल करोगे, ठीक है, वो है फर्क ऑयल नेचुरल और ऑयल फोर्स। तो दीज आर मेथड्स ऑफ कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, अभी फिलहाल मैंने ट्रांसफॉर्मर्स का थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर दिया है, तो अगले क्लास में आई ट्राई टू टेक अप प्रॉब्लम्स और आई ट्राई टू सेंड द सॉल्व प्रॉब्लम्स टू यू थ्रू PPT और थ्रू इमेजेस, ताकि आपका CT2 के लिए आपका काम हो जाए, सॉरी CT1 के लिए, ठीक है। आई होप मंडे से आपके CT नहीं है, शायद अगले हफ्ते से है आपका CT, ये कंफर्म कर लीजिए आप लोग, ओके। इसमें ऑटो ट्रांसफॉर्मर एक टॉपिक रह गया है, उसके लिए मुझे एक क्लास या दो क्लास चाहिए होंगे, वो आगे अगर मुझे टाइम मिलता है CT1 से पहले ही मैं पोस्ट कर दूंगा, ताकि आपके पास, बिकॉज यू हैव टाइम, CT1 स्टार्ट होने से पहले तक जितने वीडियोस आपको पोस्ट हो जाएंगे वो सब CT1 में हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर के ऊपर भी मैं क्लास ले लूँ, तो वो भी अगर मैंने पोस्ट कर दिया वीडियो तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा CT1 के लिए, ठीक है। अगर ऑटो ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक भी हो जाता है तो यूनिट 2 खत्म हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर्स का पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।